अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाह वरकातु, बिस्मिल्लाह रहमान रहीम। आज हम मटन अंगारा बना रहे। हमने 3 प्याज लिए, उसको फ्राई किए, 20 काजू लिए हैं, 4 टमाटर लिए हैं और एक 10 रुपए का डब्बा आता ना दही का, वो दही लिए। अब इसको बारीक पेस्ट करके लेके आएंगे, पीसेंगे, मिक्सर में दही डाल के पीसेंगे। हाँ बात, एकदम टेस्टी बनाने का, टेस्टी खाने का। देखो कुकर लिए, 1 चम्मच तेल डाले, उसके अंदर 1/2 किलो मटन डालेंगे। ये देखो, अभी जो मिक्सर में पीसे ना, आपको बताए ना, प्याज काजू टमाटर दही वो अंदर डालेंगे। अभी अदरक लहसुन का 1 टेबल स्पून पेस्ट, ये देखो 1 टेबल स्पून है मिर्ची पाउडर घर की बनाई हुई, 1 टेबल स्पून धनिया पाउडर, 1/2 टेबल स्पून हल्दी है और तंदूरी मसाला है 1 टेबल स्पून। डाल के पूरे अच्छे से उसको मिला देंगे, नमक डाले स्वाद अनुसार, मतलब 1 टेबल स्पून नमक डाले। अभी वो जो मसाले का पानी है ना, वो पानी डाले बस, और पानी डालने का नहीं इसमें, तो गोश्त को जो पानी छूटता है ना, वही पानी में अच्छे से पकेगा एकदम बस। अभी इसमें 1/2 कप तेल डालेंगे, ये देखो जो भी रिसा बना है ना वो तेल है, अच्छे से मिलाएंगे इसको। अभी ढक्कन लगाएंगे इसको, देखो ढक्कन लगाए, ढक्कन लगा के हमने 3-4 सीटी लेना है, गोश्त गलने तक सीटी लेना है। देखो गोश्त गल गया, ठंडे पानी में डालेंगे इसको और चेक करेंगे। बिस्मिल्लाह रहमान रहीम, गोश्त अच्छे से गल गया। देखो एक नींबू का रस डाल दिए, गरम मसाला 1 टेबल स्पून, पुदीना कोथमीर डाल दिए, चम्मच चलाएंगे इसके अंदर। अभी एक प्लेट रखेंगे भाप देने के लिए कोयले का, और जलता हुआ कोयला डालेंगे। हम तेल डाल रहे हैं, आप घी भी डाल सकते हैं, इससे टेस्ट अच्छा उभर के आता है। हो गया, अभी ढक्कन लगाएंगे। मेरा बेटा है ना, चिकन मटन अंगारा बहुत खाता था, बहुत उसको पसंद। देखो अच्छा, ढक्कन निकाल दिए, प्लेट भी निकाल देंगे, फर्स्ट क्लास हो गया, एकदम फर्स्ट क्लास। अच्छी खुशबू आ रही है अपने घर में, खुशबू हो गई। लाइक करो, शेयर करो, सब्सक्राइब करो, बेल बजाओ, तो मेरी रोज के अलग अलग नई नई रेसिपी आपको देखने को मिलेगी। प्लीज, अल्लाह हाफिज़।